यूपी में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इस दौरान विपक्ष के विधायक पोस्टर लेकर बेल तक पहुंच गए। इससे पहले यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया, जिन्हें सदन ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चार नए मंत्रियों का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रगति मंत्री के रूप में अनिल कुमार, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में दरा सिंह चौहान और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बता दें कि आज विधानसभा में अनुरूपक बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद साथ ही विभिन्न विषयों पर भी चर्चा होगी। मॉनसून सत्र होने से पहले सीएम योगी ने कहा कि आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो रहा है और ये मॉनसून सत्र है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पेश कर दिया था। मॉनसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुरूपक मांग इस सदन में प्रस्तुत किया गया। प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है और यही कारण है कि यूपी ने पिछले 7 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वो अविस्मरणीय है। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और इसमें सभी का योगदान मिल सके, इसीलिए सभी जनप्रतिनिधियों को आवाहन करूंगा, सभी विपक्षी से कहूंगा कि वे जिन मुद्दों को लेकर सदन का ध्यान अपनी ओर करना चाहते हैं, प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई समस्या का हल करने के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। सरकार जवाब देगी, सदन की कार्यवाही अच्छे से चल सके, इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि सभी सकारात्मक सहयोग देते रहें। वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मैं विधानसभा में इस सरकार द्वारा उपेक्षित वंचित लोगों के मुद्दों को उठाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। हम सभी मुद्दों को उठाएंगे, चाहे वो बिजली का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो या शासन का मामला हो। हमने अनुरोध किया था कि सत्र के 5 दिन और बढ़ा दिए जाएं। अब सरकार तय करेगी कि ये कितने दिन का होगा। हम इसे आगे भी जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे ताकि सभी समस्याओं पर चर्चा हो सके। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।